क्या आप जानते हैं ISI और FSSAI लाइसेंस कैसे मिलता है? ये जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आप सबका। मैं हूं भावेश ओजित्रा, मैं धर्मनंदन टेक्नो प्रोजेक्ट्स कंपनी में डायरेक्टर हूं। जैसे कि आप जानते हैं, धर्मनंदन कंपनी मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और जूस प्लांट की हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास मशीन्स बनाती है। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मिनरल वाटर और ब्यूरेज इंडस्ट्री में धर्मनंदन कंपनी का यूट्यूब चैनल आज इंडिया का नंबर वन चैनल बन गया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। आपके कोई भी सवाल हो, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में आपके फ़ोन नंबर के साथ, और हमारे बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। काफ़ी टाइम से हमारे दर्शकों और कस्टमर्स की ये डिमांड थी कि मैं ISI और FSSAI लाइसेंस के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो लो मैं आ गया एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और जूस प्लांट में ISI और FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ, जैसे कि BIS क्या है, ISI लाइसेंस क्या है, ISI लाइसेंस क्यों चाहिए, ISI लाइसेंस किसको मिल सकता है, ISI लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ISI लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, FSSAI लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, FSSAI लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। तो ये सारे टॉपिक की जानकारी मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में देने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले देखते हैं BIS क्या है। BIS का सबसे पहले नाम ISI था, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 में हुई थी। उसको वापस रिस्ट्रक्चर करके 1 अप्रैल 1987 में उसको BIS बनाया गया, जिसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS एक गवर्नमेंट संस्था है जो हमारे देश के लिए प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स बनाती है और वो सारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती है। BIS इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। तो अभी देखते हैं ISI लाइसेंस क्या है। ISI का पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम ISI मार्क भी बोलते हैं। ISI मार्क देने की अथॉरिटी ओनली एंड ओनली BIS के पास है। BIS के पूरे भारत में हरेक राज्यों में अपनी ऑफिसेस है, जहां से ISI लाइसेंस का प्रोसेस होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ISI लाइसेंस लेना क्यों जरूरी है। ISI मार्क जिस कंपनी के पास है, वो कंपनी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वैसा सर्टिफाई हो जाता है। यानी ISI मार्क वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का भरोसा अपने कस्टमर को दिला सकती है। भारत सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स कंपलसरी लाइसेंस कैटेगरी में रखे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स वॉलंटियर लाइसेंस कैटेगरी में रखे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स कंपलसरी लाइसेंस कैटेगरी में है, उसका ISI लाइसेंस करवाना अनिवार्य है। मिनरल वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपलसरी ISI लाइसेंस कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उसका ISI लाइसेंस करवाना अनिवार्य है। तो अभी देखते हैं ISI लाइसेंस किसको मिल सकता है। भारत और भारत के बाहर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो BIS की गाइडलाइन फुलफिल करता है, उसको ISI लाइसेंस मिल सकता है। आइए देखते हैं ISI लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ही आप ISI लाइसेंस ले सकते हैं। सबसे पहले आपकी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जैसे कि जमीन का दस्तावेज या रेंट एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो MOA, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल टैक्स बिल, GST सर्टिफिकेट, उद्योग आधार सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे आपकी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी के लिए एक क्वालिफाइड केमिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और उसके आधार कार्ड और डिग्री सर्टिफिकेट्स लगेंगे। कंपनी के हरेक वर्कर, स्टाफ और ऑनर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट लगेंगे। BIS की गाइडलाइन के हिसाब से कंप्लीट प्लांट लेआउट बनाना होगा, रूट मैप बनाना होगा, रो मटेरियल एंड रो वाटर का रिपोर्ट लगेगा, BIS अप्रूव लैब से कंसेंट लेटर लगेगा, NABL अप्रूव लैब से कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स लगेंगे, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट्स लगेगा, ब्रांड नेम बताना होगा, रो वाटर TDS बताना होगा, मशीनरी का कंप्लीट टेक्निकल डिटेल बताना होगा और हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करने का पूरा प्लांट लेआउट बनाना होगा। इसके अलावा
और भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसकी लिस्ट आप हमसे ले सकते हैं। आइए अभी देखते हैं ISI लाइसेंस का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उसका फाइल बना के BIS की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी के बाद BIS इंस्पेक्शन के लिए आपसे डेट पूछेगा। आपको फाइनल डेट बताना है और वो डेट पे BIS ऑफिसर द्वारा आपके प्लांट का इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन में आपके पूरा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, लेबोरेटरी, मैन पावर और हाइजेनिक कंडीशन BIS गाइडलाइन और रूल्स के हिसाब से सही है कि नहीं वो वेरीफाई होगा। अगर ये सब चीज़ें BIS गाइडलाइन के हिसाब से सही है तो आपको सैंपल निकल के दिखाना होगा और वो सैंपल BIS में टेस्टिंग के लिए सबमिट करना होगा। आपके सैंपल पे चार तरीके का टेस्टिंग होगा, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव रेसिड्यू और कंटेनर टेस्टिंग। ये सारे टेस्टिंग अगर सही आते हैं तो BIS आपको लाइसेंस ग्रांट करेगा। अभी देखते हैं FSI लाइसेंस का प्रोसेस कैसे होता है। BIS आने के बाद ही आप FSI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो FSI लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको FSI की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपलोड करके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के बाद 25 से 30 दिन में आपको FSI लाइसेंस मिल जाता है। तो BIS और FSI लाइसेंस मिलने के बाद आप मिनरल वाटर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक और जूस प्लांट लगा रहे हैं तो BIS लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट FSI लाइसेंस अप्लाई करके FSI लाइसेंस ले लेना है। BIS लाइसेंस लेने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये थी BIS और FSI लाइसेंस लेने की कंप्लीट प्रक्रिया। अगर आपको BIS और FSI लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत आ रही हो तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पे आज ही कॉल कीजिए, हमारे बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट्स आपको पूरी हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। हमारे नए वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल हमारी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। हमारे वीडियो बार बार देखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और हमें भरपूर प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।